अमृतसर से कुछ दिन पहला एक व्यहतु औरत वालों जहरीली चीज निगल के खुदकुशी की गई सी, जिस तो बाद उसके परिवार वालों वालों उसके घरवाले अते सस सोहरे ते इल्जाम लगाए जा रहे सी कि उन्हां कोल दहेज की मांग की जा रही है अते उसके नाल मार कुटाई भी करते हैं, जिस तो बाद पुलिस वालों कार्रवाई करदे होया तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि तारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया सी अते हुन पुलिस वालों मृतक के घर वाला अते उसकी सस अते उसके सोहरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। वो लड़की नो रुबीना नाम की लड़की है, वो करीब 2.5 महीने हुए सी अजे मैरिज नो, तो उसके पिता त्रिभवन यादव ने स्टेटमेंट दी सी कि ज्यों दा विआह होया उदों तो बाद विच लड़की इकल्ले ही अपने पेके घर जाती रही है, इहदा हसबैंड एक बार भी नहीं गया सी। तां उहनां दी स्टेटमेंट मुताबक इह सी कि उहनें दहेज घट आया तो दहेज करके परेशान करते सीगे, तां उह तां इहनां ने कोई दस रुपए जहरीली चीज़ खवा के तो उहनूं मार दिता है। पोस्टमार्टम उहदा करवा दिता होया, 304B दे विच केस रजिस्टर कर दिता होया ते तिन्हां दी अरैसट पै गई है। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਗੇ।